मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था। परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, यही सुनना चाहते थे ना आप? और आज कहा जा रहा है कि सुशांत केस को लड़ने वाले वकील ने भी ये बड़ा दावा कर दिया है। और इस बार कहा जा रहा है कि खुल के उन्होंने बताया कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली बार हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जिस वकील ने इस पूरे मामले की शुरुआत करी थी, उन्हीं ने कुछ सालों के बाद आकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और बकायदा उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूरा मामला क्या है वो जानने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आगे बात करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि अगर इतने बड़े वकील ये दावा करें कि परिवार पीछे हटा था, मैं नहीं हटा था इस मामले में, उन्होंने बोला कि सुशांत के साथ हमेशा से मुझे लग रहा था गलत हुआ है, क्योंकि जब मैंने तस्वीरें डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो थे एम्स के उनको भेजी थी, तब से ही कहा जा रहा था कि मेरी जो बातचीत हुई थी उनसे, उसमें ही साफ हो गया था कि ये मामला सिंपल नहीं है और मर्डर का दावा उन्होंने कर दिया है। एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मर्डर तो बिल्कुल था, ये सुसाइड का केस बिल्कुल नहीं था। इस केस को एक पर्टिकुलर स्टेज पे परिवार ने सडनली कहा कि अब इसको हमको आगे नहीं करना। अब क्या उन पे, क्या उनके ऊपर दबाव था? आपको याद है एक एप्लीकेशन रेडी था हमारा फोरेंसिक टीम को बदलने के लिए, बिकॉज आपको याद होगा ये गुप्ता जी जो फोरेंसिक के हेड थे यहाँ एम्स, मेरे से पर्सनली कहा था ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये तो हैंगिंग का हो ही नहीं सकता डेथ। बाद में वही पलट गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में से कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर सवाल ये है कि आखिरकार डॉक्टर सुधीर गुप्ता की बातचीत हुई इस वीडियो के दौरान, पर सबसे बड़ी बातचीत तो तब हुई जब कहा जा रहा है कि जो एडवोकेट और जो वकील थे विकास, जिनका नाम था विकास गुप्ता शायद इनका नाम था, उन्होंने कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा दावा करा है। जी हाँ, एडवोकेट जो विकास जी हैं जो सुशांत केस लड़ रहे थे शुरुआत से, उन्होंने जिस प्रकार इतने बड़े दावे किए हैं और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार उन्होंने अब साफ क्लियर कर दिया है कि उनको भी लग रहा था कि सुशांत के साथ गलत हुआ था। एक खबर और निकल के आ रही है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि वकील जो है विकास सिंह है, ये विकास गुप्ता नहीं है, विकास सिंह है, जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पूर्व वकील विकास सिंह जो है, इन्होंने कई बड़े दावे किए हैं और उनके दावे सुनकर आप चौंकने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, विकास सिंह ने कहा जा रहा है कि हाल ही में एक बड़े यूट्यूबर हैं जो लीगल बाबा नाम के शो पॉडकास्ट चलाते हैं, उनके इंटरव्यू में आए, वो उनसे इंटरव्यू के दौरान कई सवाल पूछे गए। इस केस में जो मेरा मानना था, ये कहना था विकास सिंह जी का, उन्होंने कहा इस केस में जो मेरा मानना था, जो भी मैंने देखा इस केस में, उनके हिसाब से ये एक हत्या का मामला था, आत्महत्या का केस बिल्कुल भी नहीं था। इस केस में एक छोटी स्टेज ऐसी आई थी जब परिवार ने अचानक से कहा इस केस को आगे लेकर नहीं जाना है, अब कहा जा रहा है कि उन पर दबाव था। किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा मुझे नहीं पता, मतलब उनको, उनका साफ कहना था कि हो सकता है कि परिवार पर दबाव हो, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पर परिवार इस केस को आगे नहीं ले जा रहा था, ऐसा भी एक बड़ा दावा किया विकास सिंह जी ने। बोला ये भी जा रहा है कि विकास ने आगे कहा, मुझे याद है हमने एक कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन तैयार की थी जहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो जाँच के लिए गई थी उनको बदलने की बात की जा रही थी, क्योंकि एम्स के जो कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक के हेड थे, जिनकी मुझसे पर्सनली बात हुई थी, उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा था सुशांत की गले में जो निशान था उसको देखकर उन्होंने बोला था वो आत्महत्या का निशान नहीं है, लेकिन बाद में वो पलट गए, इसलिए हमने टीम बदलने के लिए एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन परिवार ने कहा विकास जी छोड़ दीजिए, अब हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते हैं, मुझे इसके बाद ये केस छोड़ना पड़ा। जब मैंने केस छोड़ा तब मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया। कहा जा रहा है कि विकास सिंह जी ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि साफ साफ जो मुझे लग रहा था, जितनी जांच मैंने करी थी, जिस प्रकार मैंने डॉक्टर से बात करी थी, वो फोटोज देखी थी जो परिवार ने, सिस्टर्स ने मुझे दिखाई थी, उसके अनुसार ये मामला सिंपल नहीं था। इस मामले में बहुत सारे सवाल उठे और अब तो वो वकील जिन्होंने इस मामले की शुरुआत करी थी, उन्होंने भी ये दावा करा कि सुशांत मामला कोई सिंपल मामला नहीं था, इस मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ है, सुशांत की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की क्या हत्या हुई थी, ऐसा भी दावा कर दिया गया है, सोचिए एक बहुत बड़े वकील के द्वारा। और मामला कहा जा रहा है कि 4 साल के ऊपर बीत चुके हैं इस पूरे मामले को, पर मामले में जान आज भी है, क्योंकि एक तरफ फैंस लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और अब तो जो वकील साहब हैं उन्होंने भी अपना पक्ष सामने रख दिया है। पर यहाँ पर उन्होंने परिवार को लेकर एक बड़ी बात बोली है,
कि परिवार ने एक वक्त पर बोल दिया था कि अब हम आगे नहीं जाना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि क्या दबाव था, क्यों ऐसा बोला गया, इसको लेकर उन्होंने कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि विकास सिंह ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार जो विकास सिंह है वो शुरुआत से पूरे मामले को कहा जा रहा है कि नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे, लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। न्यूज़ मीडिया में आकर भी इन्होंने जब रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म दिया गया था तब भी सवाल उठाए थे, और यहाँ तक कि एक पत्रकार को ये भी सुना दिया था कि आप लोग तो एक्यूज्ड को भी प्लेटफॉर्म दे देते हो। तो कई सारी बातें निकल के आई थी 2020 में जब ये मामला शुरुआत में हुआ था, पर 4 साल के बाद जब इतना बड़ा दावा किया जाए और उसके बाद फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे सरकार पर, क्यों नहीं सवाल उठेंगे एजेंसीज पर जिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। आप सोचिए 4 साल हो जाते हैं, इतनी बड़ी एजेंसीज जांच करने आती है, कुछ भी निकल के नहीं आता है, फॉरेंसिक टीम को लेकर सवाल उठ जाते हैं, उनके जो हेड थे उन्होंने पलटी मार ली। ये बात खुद विकास सिंह जी पहले भी बोल चुके हैं, उनका साफ कहना था कि जब मैंने फोटो जो सिस्टर ने मुझे दी थी वो फोटो मैंने डॉक्टर को भेजी है, फॉरेंसिक टीम के हेड को भेजी है, वहाँ पर बोला गया 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। और कहीं ना कहीं बाद में पलटी मार दी गई, बाद में कुछ बयान ही निकल के नहीं आया। स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स कभी भी कहा जा रहा है कि लटके हुए इंसान पर नहीं आएंगे, वो हमेशा से किसी ने दबा के खींचा है, कुछ कपड़ा कुछ रस्सी तभी आते हैं, ऐसा भी दावा होता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत केस में विकास सिंह के इतने बड़े दावे के बाद क्या इस पूरे मामले में परिवार का कोई बड़ा बयान निकल के आने वाला है, क्या परिवार इस मामले को दोबारा से जीवित करना चाहता है, आखिरकार क्या इस पूरे मामले का सच है, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, जहां पर फैंस पिछले कहा जा रहा है कि 3-4 सालों से लगातार फाइट कर रहे हैं, लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पर विकास सिंह जी का अचानक से सामने आकर इतना बड़ा बयान देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। क्योंकि हाल ही में कहा जा रहा है कि 21 जनवरी जब सुशांत का बर्थडे आता है तब कहा जा रहा है कि विकास सिंह ने शायद एक दावा किया था कि सुशांत मामले को जो CBI है वो स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। और स्लो डेथ कहा जा रहा है कि लीगल फॉर्म में बात करें तो कहा जाता है कि एक ऐसा मामला जिस मामले में कोई खुलासा नहीं होता, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, टाइम पीरियड निकलता जाता है और एक ऐसा मोमेंट आ जाता है, ऐसा पीरियड आ जाता है जहां पर एक मामले में ना ही कोई खबर निकल के आती है, ना ही पूरे मामले के बारे में कोई अपडेट जानना चाहता है, और वो मामला वहीं का वहीं रुक जाता है, बंद हो जाता है। उस मामले को स्लो डेथ वाला मामला बोला जाता है। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि विकास सिंह जी ने अचानक से आकर ये जो खुलासा किया है, इस खुलासे के बाद अपने आप में एक सवाल ये उठ जाता है कि क्या मौजूदा सरकार जो 4 सालों से कहा जा रही की सरकार जिनके हाथ में थी, उनके सामने इतनी सारी चीज़ें निकल के आने के बावजूद अब तो इलेक्शंस जीत भी गए हैं, अब तो उनके साथ नीतीश बाबू भी हैं जो कहा जा रही कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सोचिए अब तो चीज़ें निकल के आनी चाहिए साफ बार, पर फिर भी इतनी बड़ी एजेंसीज के ऊपर सवाल उठने कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप सोचिए CBI, NCB, ED जैसी एजेंसीज जाँच करती है एक मामले की, और अगर 4 सालों में कुछ निकल के ना आए तो सरकार तो छोड़िए, सरकार के साथ साथ एजेंसीज पर भी सवाल उठते हैं, जबकि सब जानते हैं कि जितनी बड़ी एजेंसी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अंडर में ही है। पहले रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास ही जाती है, बाद में वो मीडिया के पास या फिर पब्लिक के सामने आती है। तो अब सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे, अब सवाल उठेंगे तो सवाल पूछे भी जाएंगे, तो देखते हैं सोशल मीडिया पर कितने सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। तो आपको क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में, आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, कमेंट्स में मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारा नया चैनल आ चुका है सागर बुलेटिन, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर बुलेटिन है, फेसबुक का सागर बुलेटिन, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।